नमस्कार। खबर सूरतगढ़ क्षेत्र से। पंचायत समिति सूरतगढ़ के जोन नंबर 6 से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा उम्मीदवार गिरधारी लाल सोलंकी को मिल रहा अपार समर्थन। उम्मीदवार के समर्थन में आज हरदासाली में मेड़ता रोड नागौर विधायक इंदिरा देवी बावरी, पार्टी कार्यकर्ता सीताराम हनुमान डाका पधारे। ग्रामीणों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। मेड़ता विधायक ने आने वाली 18 तारीख को पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में वोट करने की अपील की। सूरतगढ़ से PN योगी की रिपोर्ट। लेकिन मैं निकाल के आया हूँ तो आप भारी से भारी मतों से मुझे विजयी बनाकर लाएं। अगर किसी प्रकार की गांव में कोई समस्या होगी तो मैं कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ चलूंगा। रही बात अपने गांव में, एक तो सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल नहीं है, चाहे वो जनाना हॉस्पिटल हो, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, या एक वो पशुओं वाला हो, दोनों की भी समस्या है। यहाँ डॉक्टर है, पशुओं वाला तो यहाँ आता ही नहीं है। उनका कैंप भी लगता है लेकिन वो कभी नहीं अपने दर्शन देते हैं या। लेकिन अगर अपने जुड़ के सभी संघर्ष करेंगे तो मैं एक डायरेक्टर नहीं हूँ, आप सभी इस गाँव के डायरेक्टर हो। अगर मुझे जिता कर लाओगे, विजयी बना कर लाओगे तो मैं हर संभव आपके साथ रहूंगा। चाहे आप आधी रात को आके मुझे याद कर लेना, मैं तहे दिल से आपके साथ जाऊंगा। जो मेरे से सहयोग होगा वो मैं तन मन धन से सहयोग करूंगा। आज आपके बीच में चुनावी सभा गुजारी भाई, आज आपके आशीर्वाद हूँ। एक हनुमान जी बेनीवाल साहब टिकट भी दियो और आपके बीच में भेजा, तो मैं आप लोगों सब 36 फॉर्मों में वही निवेदन करूँ कि आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका लाडला है और आपके बीच में रेबा है, क्योंकि किसान है और किसान की पीड़ा किसान समझे। वैसे तो आप लोग मां का माइक समान हो। आज 70 साल है आप लोगों ने वोट देता नहीं, पर आज तक आपका वोटा की कोई गिनती नहीं। बीजेपी सरकार है, आप लोगों ने ध्यान, सरकार कांग्रेस की है। आज कई लोगों में सुनबा में आवे कि कांग्रेस की सरकार है तो कोई गरीबों की दास है। तो आज लोग, आप लोग किसी गांव में और किसी विधानसभा में जाकर देखो, कई गरीब लोग हैं जता की रेबा ने घर नहीं है, खाबा ने धान नहीं है, राशन में गुण नहीं मिल रहा है, रेबा ने कोई शौचालय नहीं है, कोई इंदिरा आवास मकान बन रहा है, कोई गरीब लोगों तक नहीं पहुंचे। तो बात सीताराम जी कह रही है कि बड़ा बड़ा नेता ना सोना का चम्मच और सोना की थाली में खाना खाओ, क्योंकि आशीर्वाद दिखाओ, क्योंकि अपना जनता का आशीर्वाद। जो गरीब लोग है आज सरकार कई आपके लिए रोजगी है, पर आज गरीबों तक नहीं पहुंचे। गरीब लोग इंतजार करता नहीं जाए और वे नेता लोग बीच में खा जाए। तो मैं आप लोगों को वही निवेदन करा कि आज 36 कौम की आज कोई भी दुख की बात, कोई भी सुख की बात उठानी देवे तो सिर्फ एक ही आदमी है, हनुमान जी बेनीवाल साहब। संसद तो और भी है पर आज आपकी बात कोई नहीं उठा विधानसभा में, आज लोकसभा में। आज हर किसान की चाहे कोई भी बात है छोटी मोटी तो आपके हमेशा ही, आप सब सोशल मीडिया में देख रहे हो कि आज हनुमान जी गंगानगर जिले में कितनी सीटें जीत पाएंगे आप? देखो सीटा तो जो 29 कैंडिडेट है हमारे, और उम्मीद तो यही है ना सब जीत के हमारे खाते में आए, क्योंकि हनुमान जी की बहुत अच्छी लहर है और सब लोग विवाह और किसान और गरीब सब हनुमान जी बेनीवाल को मानते हैं, क्योंकि किसाना का नेता है और 36 कौम ने 7 लेर चाल दिया है। आज हर गांव में और हर विधानसभा में सब लोग खड़े हैं उनके लिए के, जो हनुमान बेनीवाल बहुत अच्छे आदमी है और किसाना से आवाज उठावे लोकसभा में विधानसभा में। आज कोई भी किसान की, गरीब की, दलित की बात उठानी है तो सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल उठावे और सब लोगों ने ध्यान है और सब लोगों के मन में यही है कि हनुमान बेनीवाल आगे आए। अभी आपने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भाई गिरधारी के समर्थन में एक यहाँ बात बोली थी कि हनुमान बेनीवाल की गाड़ी जब भी रोड से गुजरती है तो कोई टोल नहीं लेता,
इसका मतलब क्या है, ये एक गुंडा राज होता है या फिर उनका आदर होता है? क्योंकि सिस्टम क्या रहता है कि लोकतांत्रिक जो सिस्टम है उसके अंदर तो टोल देना अनिवार्य है। नहीं, अनिवार्य थे ना, पर गरीब लोग, जो गरीब लोग कोई भी जेब में पैसे नहीं रहते और उनके टोल के लेने की औकात नहीं होती। जो हनुमान बेनीवाल की एक सोच है जी, है ना जी, कि कोई भी आज आप टोल पे जाओ तो उनकी हिम्मत नहीं होती है हनुमान बेनीवाल की गाड़ी आप रोक सके और टोल ले सके, क्योंकि उनका डर है और भय है। उनकी एक ही सोच है कि टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए और जो किसान है वो किसान का कोई भी टोल वोल नहीं लेना चाहिए, उनकी एक सोच है। तो मैं आज हर गांव में, हर विधानसभा में, यही है हमारे विधानसभा में ना, चाहे कोई भी टोल हो हमारा टोल नहीं लगता है। और आप जो आज जी बड़ी बात, जो हनुमान जी बेनीवाल के समर्थक है और जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनका राजस्थान में टोल नहीं लगता। आगे हमारे साथ सीताराम जी है, सीताराम जी से बात करने की कोशिश करेंगे। सीताराम जी, क्या लगता है आपको, गंगानगर जिले से कितनी सीटें निकाल पाएंगे आप? ऐसा है, हम तो ये चाहते हैं कि सभी सीटें निकलें, पर वो जनता के हाथ में है, जनता जितनी सीटें हमें देगी उतनी हम स्वीकार करेंगे। बिल्कुल, आपको आज आप भाई गिरधारी के समर्थन में यहाँ पधारे हैं ग्राम पंचायत अरदासवली में, कैसा माहौल नजर आ रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा मुझे तो जीतने के आसार नजर आ रहे हैं, बाकी जनता के हाथ में है, जिताने वाली तो जनता है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हम जो है ये सरकार में जो कांग्रेस में जो हट